हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है इस मिथिला एसोसिएशन के स्मार्ट क्लास के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप जानते हैं कि बोर्ड पे लिखा हुआ है लेंस एंड मिरर, उसी से आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं कि लेंस क्या है, मिरर क्या है। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, अक्सर एग्ज़ाम में क्वेश्चन इन सभी से बनते हैं, इन सभी टॉपिक से। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लेंस क्या होता है। लेंस जिसको हम लोग हिंदी में अगर बोलें तो ताल, खैर हिंदी से मतलब नहीं है उतना, ताल से मतलब नहीं है, बस इंग्लिश याद रख सकते हैं लेंस। तो लेंस होता क्या है सबसे पहले, कि वह सबसे पहले ये समझ लीजिए कि कम से कम एक भाग क्या होना चाहिए, कर्व टाइप्स होना चाहिए, ठीक है। जैसे क्या हो जाएगा, यहाँ पे मैं कुछ एग्जांपल्स ले रहा हूँ। यहाँ पे दो तरह का फिगर लग रहा है, दोनों अलग अलग फिगर है, दोनों का नाम भी अलग अलग है, जैसा कि आप लोगों को पता भी होगा। इसका नाम जो है कन्वेक्स लेंस, और इसका जो नाम है कनकेव लेंस। कन्वेक्स लेंस, कनकेव लेंस, ठीक है। कन्वेक्स लेंस को अगर हम हिंदी में बात करें तो हो जाएगा उत्तल लेंस, और इसका हो जाएगा अवतल लेंस, ठीक है। उत्तल लेंस, अवतल लेंस, इसमें और इसके बारे में थोड़ा जानते हैं कि उत्तल लेंस को हम लोग अभिसारी लेंस के नाम से भी जानते हैं, अक्सर एग्जाम में आ जाता है। अभिसारी लेंस क्या होता है, किस लेंस को कहा जाता है, तो उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है, ठीक है। कन्वेक्स लेंस, अभिसारी लेंस को कह सकते हैं कि अभिसारी लेंस और उत्तल लेंस दोनों सेम होता है। इसको हम लोग अगर इसका हम इंग्लिश बात करें तो कन्वर्जिंग लेंस भी हम लोग कह सकते हैं, क्योंकि अब इसका रीज़न क्या है कि इसको हम लोग अभिसारी कहते हैं, अभिसारी लेंस कहते हैं, क्यों कहते हैं। तो अक्सर होता क्या है, जैसे कि ये उत्तल लेंस है और इसका ये मुख्य अक्ष है, प्रिंसिपल जिसको हम लोग कहते हैं। यहाँ पे क्या हुआ, लाइट आया, यहाँ पे एफ होगा, तो यहाँ पे जैसे ही क्रॉस किया, और यहाँ पे एफ नहीं होगा, यहाँ पे लाइट मतलब लाइन है कह सकते, प्रिंसिपल है, और यहाँ से ये क्या करेगा, यहाँ पे एक ही पॉइंट पर जितना भी लाइट जाएगा यहाँ पे समांतर रूप से, ये एक ही पॉइंट पे क्या होगा ना, सब मिल जाएगा, ठीक है। एक ही पॉइंट पे सारा का सारा मिल जाएगा, इसीलिए इसको हम कह सकते हैं कि क्या हो गया, एक ही पॉइंट पे अभिसरित हो गया, यानी कि एक ही पॉइंट पे सब आपस में मिल गया। तो हम लोग इसीलिए उसको कहते हैं अभिसारी लेंस, कन्वर्जिंग लेंस। इसका जो नाम होगा एक और, अपसारी लेंस कह सकते हैं इसको हम लोग, अपसारी लेंस, अपसारी लेंस, और इसको हम लोग इंग्लिश में अगर देखें तो डाइवर्जिंग लेंस भी हम लोग कह सकते हैं इसको, डाइवर्जिंग लेंस, ठीक है। उसके बाद और देखते हैं, इसका एक और नाम है जो जैसे इसका नाम जगह न्यूनकारी, यहाँ इसका जो नाम हो जाएगा वह आवर्धक लेंस भी हम लोग कह सकते हैं। जैसा कि जानते हैं आवर्धक का मतलब क्या हुआ, मैग्नीफाइड करना, यानी कि उसको बड़ा दिखाना, है ना। तो उत्तल लेंस का काम क्या होता है, किसी भी जो ऑब्जेक्ट होता है, यानी कि कोई ऑब्जेक्ट जो होता है उसका जो इमेजेस बनाते हैं ये, तो वास्तविक रूप से बड़ा बनाते हैं, यानी कि जितना बड़ा वो है उससे बड़ा, यानी कि मैग्नीफाइड। इसको हम लोग हमेशा प्लस में डिनोट करते हैं, यानी कि जो आँख में चश्मा उस्मा का प्रयोग जो करते हैं जनरल, तो जिसमें अगर पॉजिटिव चश्मा का नंबर होगा तो सिंपल सी चीज़ है कि उसमें उत्तल लेंस का प्रयोग किया गया होगा। इसके बारे में भी हम लोग देखेंगे आगे। ह्यूमन जो आई होती है उसमें जो डिफेक्ट ऑफ विजन्स होते हैं, उन सभी चीज़ों को हम लोग डिस्कस करेंगे एक अलग सा वीडियो बना करके, ठीक है। उसके बाद इसको हम लोग कहते हैं न्यूनकारी, जैसा कि जानते हैं कि इसमें प्लस तो सिंपल सी चीज़ है, उसमें क्या होगा, माइनस हो जाएगा, है ना। यानी कि इसका जो माइनस वाला नंबर होगा चश्मा का, तो वह उसमें लगा होगा अवतल लेंस और इसमें उत्तल लेंस। एक और बता दें बात, कि चश्मा को छोड़ करके बाद बाकी जितने भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं जनरली,
तो जैसे क्या सब हो जाएगा, माइक्रोस्कोप, उसके बाद इंडोस्कोप्स, पेरीस्कोप, टेलीस्कोप जितने भी होते हैं ये सब, तो इन सभी में क्या हो जाएगा ना, कन्वेक्स लेंस का ही इस्तेमाल किया रहता है। तो अक्सर ऐसे हम लोग याद रखेंगे उसमें क्या होता है, उसमें क्या होता है, तो बहुत सारी परेशानी झेलना पड़ सकता है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक ही बार में, एक ही झटके में याद कर सकते हैं इसको। कैसे कि चश्मा जो होता है उसमें छोड़ करके, चश्मा में हो सकता है अवतल उत्तल दोनों हो सकता है, कभी अवतल कभी उत्तल, कभी कभी दोनों रहता है, है ना। तो उसको छोड़ करके बाद बाकी जितने भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं उन सभी में लगभग कॉन्वेक्स लेंस का ही प्रयोग किया रहता है, उत्तल लेंस का ही प्रयोग किया रहता है, ठीक है। अब थोड़ा चलते हैं आगे इससे। और एक बात बता दूं यहाँ पे, जैसे कि हम लोग बताए अब यहाँ पे अपसारी लेंस इसको कहते थे, क्यों कहते हैं, तो इसमें होगा क्या, अक्सर जो यहाँ पे प्रिंसिपल है, यहाँ पे जैसे लाइट आया, ठीक है, ये लाइट का रे क्या करता है, एक पॉइंट पे ना मिल करके ये दूर भाग जाता है, ठीक है। तो इसीलिए क्या हो जाता है, एक पॉइंट पे नहीं मिलता है, अपसरित हो जाता है, इसीलिए इसका नाम हम लोग अपसारी लेंस कह सकते हैं, यानी कि डाइवर्जिंग लेंस कह सकते हैं, ठीक है। और आगे चलते हैं इसके थोड़ा सा। थोड़ा मिरर के बारे में जानते हैं, इतना तो बेसिक था लेंस के बारे में, जिससे अक्सर एग्जाम में आते हैं, और भी बहुत सारे टॉपिक्स इसमें हैं जो हम लोग डिस्कस करेंगे। मिरर क्या होता है ना, जिसको हम लोग दर्पण कहते हैं, तो सिंपल सी चीज़ है कि जब किसी चमकीला, मतलब जो कांच होता है, जैसे कि हम बात कर लेते हैं शीशा की, और शीशा को हम लोग क्या करते हैं, पीछे से पेंट कर दिया जाता है। पेंट करने का मतलब रंग दिया जाता है, और रंगा जाता है तो लेयर चढ़ाया कुछ ना कुछ, तो क्या चढ़ाएगा, चांदी। अक्सर एग्जाम में आता है कि जो शीशा, मतलब शीशा पे जो कौन सी परत ऐसी चढ़ाई जाती है जिसके कारण से वह मतलब दर्पण बन जाता है, यानी कि दर्पण के पीछे यानी कि कौन सा उसमें परत चढ़ाया गया रहता है, तो हो जाएगा चांदी। अब उठता है सवाल कि चांदी ही क्यों किया जाता है, तो याद रखिएगा कि चांदी जो होता है वह सबसे अच्छा रिफ्लेक्टर होता है लाइट का कह सकते हैं, यानी कि लाइट जब इस पर पड़ेगा तो लाइट सबसे ज़्यादा यह रिफ्लेक्ट करता है, इसीलिए चांदी का इस्तेमाल किया जाता है। और कभी कभी क्या किया जाता है, एल्यूमिनियम का भी प्रयोग करते हैं हम लोग, एल्यूमिनियम का भी प्रयोग करते हैं, लेकिन एल्यूमिनियम अक्सर कम, ज़्यादा मात्रा में चांदी, ठीक है। उसके बाद चांदी का परत चढ़ाने के बाद क्या करते हैं, इसके ऊपर जो है हम लोग आयरन टाइप्स या फिर कॉपर का जो होता है परत, वो भी चढ़ा देते हैं, ताकि इस पर कोई बाहरी इफेक्ट ना पड़े, ठीक है। और उसके बाद हम लोग कलर कर देते हैं, रेड कलर से चाहे ग्रीन कलर कुछ भी कर सकते हैं यहाँ पे। तो जनरल हम लोग देखते हैं जो इमेजेस बनते हैं वो किसके कारण से बनते हैं, तो इसमें जो चांदी की परत चढ़ाई गई रहती है जिसके कारण से मतलब दर्पण का निर्माण होता है, दर्पण बनता है, ठीक है। उससे थोड़ा आगे चलते हैं कि दर्पण कितने तरह के होते हैं, जो कि अक्सर एग्जाम्स में उससे रिलेटेड क्वेश्चन बनता है यहाँ पे। जैसे क्या, पहला हम लोग देखते हैं समतल दर्पण, पहला होता है क्या समतल दर्पण, दूसरा हो जाएगा उत्तल दर्पण, और तीसरा हो जाएगा अवतल दर्पण, ठीक है। समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, इसके कुछ यूजेज आते हैं एग्जाम में। जैसे क्या, सबके घर में आईना होगा, जिसको हम लोग शीशा जनरल कहते हैं, आईना कहते हैं, और आईना कभी जानते हैं कि झूठ नहीं बोलता है, सिंपल सी चीज़ है, क्योंकि आईना में हम लोग अपना क्या देखते हैं, चित्र देखते हैं, किसी भी चीज़ का पिक्चर देखते हैं। तो जनरली जो घर में यूज किया जाता है श्रृंगार सब करने के लिए, है ना, तो वो आखिर कौन सा दर्पण रहता है, जनरल हम लोग जो घर में प्रयोग करते हैं वो कौन सा दर्पण रहता है, तो वो जो रहता है वो समतल दर्पण रहता है। उसमें गौर कीजिएगा, बहुत सारी बातें यहाँ से मिलेगी, उसमें गौर कीजिएगा कि जितना बड़ा ऑब्जेक्ट रहता है उतना ही बड़ा उसका पिक्चर बनती है, इमेजेस बनते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि समतल दर्पण में क्या होता है ना, कि कोई भी चीज़ का बराबर प्रतिबिंब बनता है, मतलब इसमें क्या बनता है, बराबर प्रतिबिंब टाइप्स बनते हैं। अब उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण क्या करता है, उत्तल दर्पण का एक यूज़ हम और बता देते हैं यहाँ पे। जैसे क्या कि जो साइड मिरर होते हैं गाड़ियों में,
तो उसमें कौन सा दर्पण का प्रयोग किया रहता है? तो उसमें भी क्या रहता है? उत्तल दर्पण रहता है उसमें। सिंपल सी चीज़ है, उत्तल दर्पण क्यों रहता है? उत्तल दर्पण का क्या होता है ना गुण, जो किसी भी ऑब्जेक्ट को या क्या करता है, छोटा प्रतिबिंब बनाता है, ठीक है, जिसके वजह से गाड़ी जो चलाते हैं ड्राइवर, तो उसके पीछे में जितने भी गाड़ियां आते रहते हैं बड़े बड़े छोटे छोटे, सब आपस में आराम से सब उसमें क्या होते हैं, दिखाई देने लगते हैं छोटे से ही क्षेत्र में। दृष्टि क्षेत्र भी क्या होता है इसका, मतलब पीछे जितने भी गाड़ियां सब आती रहती है, सब आसानी से उसमें दिखाई देने लगता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि उत्तल दर्पण का उसमें प्रयोग किया रहता है, यानी कि इसमें कैसा बनेगा, तो छोटा बनेगा, ठीक है, प्रतिबिंब कैसा बनेगा, छोटा बनेगा। इसमें अवतल दर्पण, तो अवतल दर्पण में होता क्या, एक्चुअली जो जनरल में बात कर रहा हूँ ज़्यादा, तो अक्सर इसमें बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। क्यों बनेगा बड़ा प्रतिबिंब? क्योंकि इसका काम क्या है, लाइट को क्या करना, डाइवर्ज करना, है ना, तो ये क्या करता है, बड़ा प्रतिबिंब बना लेता है, ठीक। उसके बाद और हम देखते हैं इसका कुछ यूजेज। तो पहली बात मैंने बताया, जो घर में जो यूज करते हैं अक्सर, डेंटिंग पेंटिंग अक्सर जो करते रहते हैं घर में, जनरल जो यूज होता है दर्पण का, वो होता है समतल दर्पण। सेकंड हो जाएगा क्या चीज़, उत्तल दर्पण में हो जाएगा क्या चीज़, जो पीछे का दृश्य जो हम लोग देखते हैं साइड मिरर के रूप में जो हम लोग प्रयोग करते हैं, तो वो हो जाता है उत्तल दर्पण। अक्सर एग्जाम में कन्फ्यूज करने के लिए पूछ देता है क्या, कि गाड़ी के जो हेडलाइट होते हैं, हेडलाइट मतलब आगे में जो लाइट लगी होती है, वहाँ पर भी दर्पण का प्रयोग किया गया रहता है, ठीक है। तो वहाँ पे जो दर्पण का प्रयोग किया गया रहता है, वहाँ पे अवतल दर्पण का प्रयोग किया रहता है, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं कीजिएगा कि जो गाड़ी का साइड मिरर होता है उसमें उत्तल दर्पण, और जो हेडलाइट होते हैं उसमें अवतल दर्पण का प्रयोग किया रहता है। अवतल दर्पण का प्रयोग क्यों किया रहता है, तो क्योंकि अवतल दर्पण का काम क्या है, लाइट को मतलब फैलाना कह सकते हैं एक तरह से, तो जिसकी वजह से आगे जो लाइट जाएगी वह ज़्यादा दूर तक दिखाई देगा, इसीलिए उसमें अवतल दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है, और इसमें उत्तल दर्पण का साइड मिरर के रूप में किया जाता है, ठीक है। उसके बाद जो अक्सर हजाम सब जो होता है, जनरली जो बाल दाढ़ी उसे बनाते हैं, है ना, तो उसके दुकान में भी लगा होता है मिरर, तो वो कौन सा मिरर रहता है, तो वो मिरर रहता है कौन सा, अवतल। सोच लीजिए ना कि छोटे छोटे दाढ़ी, छोटे छोटे जो बाल होते हैं वह बड़ा दिखाई देता है, जिसके कारण से उसको बनाने में सुविधा होती है ना, आसानी मिलती है। तो कब आसान मिलेगा उसको, जब छोटा चीज़ और थोड़ा बड़ा दिखाई देगा तब तो उसको काटने में आसान दिखाई देगा, तो हो जाएगा अवतल दर्पण का इसमें इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि हजामती दर्पण के रूप में जो मतलब हजाम सब जो प्रयोग करता है वो जनरली अवतल दर्पण का ही इस्तेमाल करता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, सौर भट्टी सब में भी प्रयोग अवतल दर्पण का ही जनरल किया जाता है, ठीक है, सौर भट्टी सब में। उसके बाद आगे चलते हैं थोड़ा सा, कि अक्सर एग्जाम में आते हैं क्वेश्चन कि किस वस्तु को कहाँ पर रखा जाए कि कहाँ पर उसका इमेज बनेगा, प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, यानी कि वस्तु की स्थिति और प्रतिबिंब की स्थिति, इस दोनों की स्थिति से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं। पूछ देगा अक्सर कि अगर उत्तल लेंस के मुख्य फोकस पर अगर रखा जाता है इमेज, सॉरी ऑब्जेक्ट, तो उसका इमेज कहाँ बनेगा, ठीक है। तो ऐसे ही क्वेश्चंस कुछ हम लोग देखते हैं जैसे यहाँ पे, और आसान है, बिल्कुल आसान है, याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस एक ट्रिक्स के माध्यम से हम लोग देखेंगे और सारा का सारा गारंटेड याद हो जाएगा। और एग्जाम में अक्सर ऐसा क्वेश्चन जो पूछेगा बाय द वे, तो छूटना नहीं चाहिए और छूटेगा ही नहीं, बिल्कुल नहीं छूटेगा, इतना विश्वास बनाए रखिए। जैसे यहाँ पे लेंस है, कौन सा लेंस है वो, उत्तल लेंस, ठीक है ना, ये इसका क्या है, मुख्य अक्ष, यहाँ पे F, यहाँ पे 2F, ओके, 2F क्या है, तो 2F को हम लोग, यानी कि F का जो डिस्टेंस है यहाँ का, इसका डबल डिस्टेंस हम लोग ले रहे हैं, यानी कि 2F हो जाएगा, और 2F को हम लोग जनरल हम लोग कह सकते हैं, उसका जो सेंटर टाइप होता है, वक्रता केंद्र जो होता है ना, उसी को हम लोग कह सकते हैं जनरली, तो हम लोग कन्फ्यूज़ नहीं करेंगे, इसीलिए F में ही हम लोग ले लीजिए, ठीक है। इधर भी F और इधर 2F,
और हम लोग जानते हैं कि ये जो है आगे भी बढ़ सकता है, आगे जो बढ़ेगा तो कहाँ तक बढ़ेगा, इनफाइनाइट तक बढ़ेगा, और इधर भी बढ़ेगा कहाँ तक, इनफाइनाइट तक, अनंत तक। ये जैसे कि आप देख रहे होंगे यहाँ पे कुछ मैंने पिक्चर बनाया यहाँ पे, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बनते हैं कि स्थिति का कैसे हम लोग इसी से देखेंगे कि स्थिति क्या रहेगी प्रतिबिंब की, जब हम लोग वस्तु को किस स्थिति में रखेंगे। ठीक है, इसके लिए मैंने एक जनरल क्या किया यहाँ पे, एक टेबल तैयार कर रहा हूँ, टेबल तैयार कर रहा हूँ यहाँ पे, गौर से समझिएगा। हम लोग को भी मतलब दो रिलेशन है क्या चीज़ का, एक तो ऑब्जेक्ट की स्थिति का, ऑब्जेक्ट कहाँ रहेगा, और एक उसका इमेज कहाँ बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं वस्तु, वस्तु की स्थिति हम इसमें लिखेंगे, ऐसे लिख देते हैं वस्तु की स्थिति। ठीक है, और यहाँ पर इसका जो प्रतिबिंब बनेगा, इमेज बनेगा, वो उसकी स्थिति यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ। ठीक है, क्या करना है इस ट्रिक्स के लिए, तो यहाँ से स्टार्ट करना है, यहाँ से इसको 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 हम लोग क्या करेंगे, वस्तु वाले में रख देंगे। ठीक है, सबसे पहले इन्फिनिट यानी कि अनंत, 2f f यहाँ पे अनंत, 2f और f, क्लियर। उसके बाद यहाँ तक तो हो गया, यहाँ से आप स्टार्ट करते हैं f 2f अनंत, f 2f अनंत। ठीक है, यहाँ तक तैयार करने में दिक्कत नहीं आनी चाहिए। यहाँ से मैंने स्टार्ट किया वस्तु की स्थिति, यहाँ से मैंने स्टार्ट किया प्रतिबिंब की स्थिति। कुछ समझ में आ रहा होगा इसमें क्या, कि जैसे यहाँ पे हम बात करें वस्तु की स्थिति, अगर अनंत पर हो वस्तु, वस्तु कहाँ हो, अनंत पर, तो देख रहे हैं कि यहाँ पे प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ बन रही है, फोकस पर। ठीक है, मुख्य फोकस पर बनेगा। अगर वस्तु की स्थिति 2f पर, यानी कि केंद्र पर कह सकते हैं एक तरह से, ठीक है, और यहाँ पर भी देख रहे हैं कि 2f, तो यानी कि सेम चीज़ है ये, तो वस्तु की स्थिति 2f पर रहेगा, इसका मतलब प्रतिबिंब की स्थिति भी क्या होगी, 2f पर होगी, सॉरी यहाँ पे उपस्थिति नहीं होगा, स्थिति लिखना था, स्थिति लिखना था यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे देख रहे हैं क्या, कि अगर वस्तु f पर हो तो अनंत पर बनेगा। ठीक है, अब जो ये ट्रिक है किसके लिए काम करता है, तो जैसा कि पिक्चर में दिखाई दे रहा है उत्तल लेंस, तो एक तो हो गया उत्तल लेंस, ठीक है, और इसी का जस्ट अवतल दर्पण, इस दोनों के लिए ये ट्रिक अप्लीकेबल होगा। ठीक है, इसमें हो नहीं गया, बल्कि अभी और कंडीशन है जिससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, दिखाई नहीं देता है लेकिन है, देखिए कहाँ पर। अगर वस्तु की स्थिति अनंत और 2f के बीच हो तो प्रतिबिंब की स्थिति भी f और 2f के बीच होगी, क्लियर। चार कंडीशन हो गया, अगर अनंत है तो f पर, अगर वस्तु 2f पर हो इमेज भी 2f पर, और अगर वस्तु f पर होगा तो उसका इमेज कहाँ पर, अनंत पर, और इसी तरीके से जब अनंत और 2f के बीच, तो f और 2f के बीच इसकी स्थिति प्रतिबिंब की बनेगी, और जो इसी तरीके से जब 2f और f के बीच अगर कोई ऑब्जेक्ट को रखा जाता है तो 2f और अनंत के बीच यहाँ पर इसकी इमेज बनेगी, क्लियर। अब जो ये पांच हैं, अक्सर एग्जाम में यही चीज़ आते हैं, और अक्सर एग्जाम में जो है ना उत्तल लेंस और अवतल दर्पण से ही रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, देख लीजिएगा आप प्रीवियस क्वेश्चन सब उल्टा करके, लगता है मतलब लगभग यही से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, तो हम लोग को तो कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना है, जिसके कारण से क्या होगा कि एग्ज़ाम में अच्छा रिजल्ट आ सकता है। ठीक है, हम लोग क्वालिफाई कर सकते हैं, तो उत्तल लेंस और अवतल दर्पण के लिए अप्लीकेबल है। एक बात और, इसमें जितनी भी स्थिति बनी, यानी कि जितनी भी इमेजेस बनी, एक बात याद रखिएगा कि जितना भी बना हुआ सब के सब क्या है, वास्तविक और उल्टे हैं। ठीक है, वास्तविक और उल्टे हैं, सब इमेज जो है कहाँ है, वास्तविक और उल्टे हैं। उसके बाद
जिसको हम लोग इंग्लिश में कह सकते हैं रियल और इन्वर्टेड कह सकते हैं, रियल और इन्वर्टेड, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक चीज़ और यहाँ पर हम देख रहे हैं, क्या स्थिति देखिए आप 2f का और 2f का, ये दोनों क्या चीज़ है, बराबर, ये तो बराबर वाली बात हो गई ना। तो कह सकते हैं क्या कि अगर वस्तु 2f पर है, 2f पर है, इमेज भी कहाँ बन रहा, 2f पर बन रहा, ठीक है। तो सेम चीज़ ये अक्सर एग्जाम में आता है कि कहाँ पर रखा जाए कि वस्तु की प्रतिबिंब मतलब सेम आकार का बने, तो हम लोग कह सकते हैं 2f पर, अगर 2f ना हो ऑप्शन में, वक्रता केंद्र जरूर रहेगा, ठीक है। तो हम लोग केंद्र यानी कि केंद्र पर रखेंगे तो उसका इमेज भी केंद्र पर ही बनेगा, लेकिन वास्तविक और उल्टा बनेगा और सेम आकार का बनेगा, यानी कि इस स्थिति में बराबर का बनेगा, ठीक है। इस स्थिति में क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट जितना बड़ा रहेगा उतना ही बड़ा क्या बनेगा, उसका इमेज बनेगा। और कुछ देखते हैं, तो यहाँ पर क्या बनेगा, छोटा, यहाँ पे क्या बनेगा, बड़ा, या फिर यहाँ पे बड़ा बनेगा, यहाँ पे छोटा बनेगा। इस चीज़ को समझते हैं, थोड़ा सा ध्यान से समझिए, इसी में सब कुछ है। वस्तु की स्थिति अनंत, अनंत मतलब क्या, कहाँ है पता नहीं है, बहुत दूर है। और प्रतिबिंब की स्थिति फोकस, मतलब अनंत के तुलना में फोकस क्या है, बहुत ही कम है, छोटा है। सिंपल सी चीज़ है, यहाँ पे क्या बनेगा, छोटा, इस स्थिति में प्रतिबिंब छोटा बनेगा, क्लियर। तो ऑप्शन में देखिए छोटा बराबर, तो अब एक ही बचा होगा शायद बड़ा, तो बड़ा ही बनेगा यहाँ पे, लेकिन बड़ा क्यों बनेगा, इस चीज़ के समझते हैं थोड़ा सा। वस्तु की स्थिति फोकस पे है, अनंत पे बन रहा है प्रतिबिंब, यानी कि अनंत बहुत बड़ा होता है, तो इमेज क्या बनेगा, इसका बड़ा बनेगा, क्लियर। इतना में कोई दिक्कत, फिर से समझ लीजिए एक बार, क्या होता है मिरर, उसमें चांदी उंदी की परत चढ़ाई गई रहती है, मैंने पहले इस सब के बारे में बता दिया। अक्सर इसको समझते हैं थोड़ा सा एक बार फिर से। तो ये लेंस है उत्तल लेंस, यहाँ पे 2f, यहाँ पे f, यहाँ पे अनंत, यहाँ पे f, 2f और f, f फोकस है, इसको हम लोग फोकस कहते हैं, ठीक है। 2f इसका डबल यानी कि इसका दुगुना, यानी कि ये जो डिस्टेंस होगा यहाँ पे, इसका p हम कह सकते हैं, यहाँ पे है p पोल। उसके बाद यहाँ पे जो मेरा मतलब प्रिंसिपल कह सकते हैं इसको, ये प्रिंसिपल है। और ये f, 2f स्थिति यहाँ पे देखिए अनंत पर रहेगा, f पर बनेगा पिक्चर, 2f पर अगर वस्तु तो इमेज 2f पर, और इस केस में क्या होगा, इमेज बराबर, ठीक है। और f इन्फाइनाइट रहेगा यहाँ पे, इस केस में हम लोग देख लेते हैं कि यहाँ पे बड़ा बन रहा है। तो इन सभी चीज़ों को एक बार फिर से आप लोग देख सकते हैं, और अगले जो वीडियो देंगे हम उसमें लेंस यानी कि पावर ऑफ लेंस, पावर ऑफ लेंस, उसके बाद जो न्यूमेरिकल्स टाइप के क्वेश्चन छोटे मोटे आते रहते हैं एग्जाम में, ठीक है, न्यूमेरिकल्स टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं उसको हम लोग देखेंगे कि कैसे सोल्व करते हैं, किस फॉर्मूला से सोल्व करते हैं, ठीक है। और अभी ह्यूमन, जैसे ह्यूमन आई है ना, तो ह्यूमन आई में जैसे कि डिफेक्ट ऑफ विजन होगा, उन सभी से क्वेश्चन अक्सर बनते हैं, तो उसका भी हम लोग अलग वीडियो देखेंगे, ठीक है। तब तक के लिए आज इतना ही, और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब चैनल को कीजिएगा, और अपने दोस्तों के बीच इसको शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए आज थैंक यू।